यात्रियों की जेब पे हाथ मारा, जैसे भैया भैया जेब पे हाथ मारा आपकी, जनरल बुग्गी है ये, देखा भाई का किराया बड़ा सस्ता, बीड़ी भी ना मजा, हम खाएंगे गोला ये भैया से गोल। ओ भाई नहीं, आज से पकड़ने दोस्त, कोई पैसा नहीं। सुना ली भाई, ये देखो मैंने सोचा इसको सेल। सो हे गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत आप सभी का एक नए ब्लॉग में, और मैं आप सभी का भाई स्वागत करता हूँ हरिद्वार से। और आप लोग मतलब बहुत लोगों के दिमाग में मिस कंफ्यूजन होगी कि मैं तो भाई केदारनाथ में था, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो शाम को हमने केदारनाथ की यात्रा ख़त्म करी थी और रातों रात हम टैक्सी बुक करके यहाँ पे आ गए थे। बाकी टैक्सी का प्राइस सेम पड़ा था जितना जाने में पड़ा था, 1500 रुपये पर पर्सन, और 12000 की हमने टैक्सी बुक करी थी। थोड़े बहुत मतलब लोग मिल गए थे हमें, तो सभी ने मिलकर कर दी बाकी। एंड अभी कुछ खाना वगैरह खाते हैं, यहाँ से पंडित जी का ढाबा है यहाँ पे, तो यहाँ से हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से घर जाएंगे। अब का मतलब व्लॉग यही रहेगा कि घर कैसे जाते हैं, थके हुए हैं, बहुत बुरी हालत है भाई, रेस्ट भी नहीं करने को मिल रही है हमें। चलो तो ये बैठ गए इधर भाई, इनके मुंह देख लो कितने उतरे हुए हैं, थके हुए हैं बंदे सारे के सारे, लेकिन मैं फिर भी भाई स्माइल कर रहा हूँ, बेशक मैं थका हुआ लेकिन स्माइल कर रहा हूँ। आ गया हमारा खाना, खाने में ये सैलड है, ये क्या है, छोले पनीर है, और ये मिक्स वेज है जिसमें मिक्स वेजिटेबल है देख सकते हो, और बाकी ये रोटी है, रोटी हमने तवा ही ली है, तंदूरी इनके पास थी ही नहीं, कर रही अभी सर्व। आपको बताते हैं मैंने रोटी छोले पनीर टेस्ट करवा, छोले पनीर की टेस्ट की बात करें तो भाई बढ़िया, अब वेज मिक्स वेज टेस्ट करवा के दोनों में यही ज़्यादा टेस्ट है सर। कैसा बनाया बाकी, कैसा बनाया, दही भी मंगवा लिया भाई, दही भी ट्राई करते हैं। सो भाई अभी खाना वाना तो खा लिया, अभी हम जाएंगे, तो ये भाई बोल रहे हैं कि स्पेशल लस्सी पिलाओ, पटियाला की लस्सी मिलती है सर स्पेशल, तो लस्सी पिलाते हैं, उसके बाद आपको एक हरी की पौड़ी का मतलब टूर करवा देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ट्रेन में बैठना है यार, ठीक है। तो चलो चलते हैं, बाकी ये हरिद्वार की गलियाँ, यहाँ से कितना एक किलोमीटर होगा, एक डेढ़ किलोमीटर हरी की पौड़ी है ना, दे दो इनको बैठा, कितने का है पूरा लेना के, आधा किलो है, आधा किलो है पूरा खाई लेके, दे दो। काफी लाजवाब है, हाँ अच्छा है। चलो उठा लो लस्सी, वहां से हम पीते हैं अभी लस्सी, तो पार पार चलो पार, जाबी लस्सी जलिया की बात करें तो भाई बहुत बढ़िया, लस्सी भी नहीं, और मैं टेस्ट की बात बताऊं, वाह एकदम ओरिजिनल है। अभी हम लोग गुलाब जामुन टेस्ट करके बताएंगे। हाँ तो ये गुलाब जामुन है, देखिए ये भैया बने एक और चीज, ये आ गए भाई हमारे गुलाब जामुन, कैसे हैं? इसके लिए मुझे एक चीज पसंद आई है, इधर आ सूट लेके देना इसको, इधर आ ये देखिए, इधर आ जा जा, ये लेके देते हैं इसको, देखिए 100-100 की सेल लगी है, इसमें पसंद कर ले इसको, लेके देते हैं 100-100 नहीं, सो अच्छी नहीं है, ले ले सभी ले ले, ये लेनी है स्वेटर, ये देखिए भाई सर्दियों में स्वेटर है और गर्मियों में स्वेटर ले रही है, ये पागल है ना हमारी लड़की, गर्मियों में कौन लेता है,
स्वेटर नहीं लाया, यानी गर्मियों में लेते हैं लोग स्वेटर, गर्मियों में कौन पहनता है? केदारनाथ यमुनोत्री जाते हैं ना यात्रा पे तो लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, नाम सुना ली भाई, ये देखो मैंने सोचा इसको सेल से लेके देते हैं, बट इसको पसंद ही नहीं आया। वहां से चल के आ गए। कौन सा घाट है ये? दादी की हड्डियां बनवाने यहां आई थी तू? नहीं, हल्की बॉडी आई थी। हां, इसमें देखना इसकी कान की सफाई करा रही, करवाओ। भाई नहीं नहीं यार, चेक कराने के पैसा नहीं। ओ भाई नहीं, आज से पकड़ने दोस्त, कोई पैसा नहीं। पैसा था होगा तभी निकालेंगे भाई, नहीं नहीं यार ना भाई। हम खाएंगे गोला, ये भैया से गोला खा रहे हैं अभी। ये तो भाई फूड ब्लॉग ही हो गया एक टाइप का। देखो ये मसाले वाला है, ये क्या मिला रहे हो? नमक, मसाला। ये क्या डाल रहे हो? हाँ, शरबत। ये डाल रहे हैं शरबत। बढ़िया लगता है भैया, बोल रहे बढ़िया लगता है। ये लो भाई, ये बना दिया भैया ने गोला। बनाने गोला ये बताना, खा के चूसते हैं इसको। अच्छा अच्छा, लो जी दोस्तों, टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे होंगे। इसको बोलने देते हैं, ये शताब्दी। बाकी मैं बोल रहा था, आज हम यात्रा करने वाले हैं ट्रेन नंबर 14609 हेमकुंड एक्सप्रेस में, जो कि डेली चलने वाली ट्रेन है ऋषिकेश से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में। बाकी इसके टाइमिंग की बात करें तो ये 5:20 पे ऋषिकेश से खुलती है। 679 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद सुबह 7 दूसरे दिन आपको श्री माँ वैष्णो देवी कटरा पहुंचाती है। बाकी हरिद्वार पे इसका जो टाइम है वो 6:30-31 पे है। तो आने देते हैं अपनी गाड़ी को। देखिए इसने बड़ा रोला डाला था यार, शताब्दी तो चली गई। अब टाइम देख सकते हो 6:25:27 हो रहे हैं और अपनी हेमकुंड आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हरिद्वार रेलवे स्टेशन के। बाकी 13:40 लेती है ये ऋषिकेश से वैष्णो देवी तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए। बाकी ट्रेन अभी आई नहीं है और यात्री देखिए कैसे सीटों पर कब्जा करने के लिए भीड़ जुटाए हैं। और आप भी समझ सकते हो कि आज जो हमारी यात्रा होने वाली है वो जनरल क्लास में होने वाली है, क्योंकि भाई टिकट तो हमें मिली ही नहीं थी। हमारी टिकट कल की थी लेकिन वो यात्रा की वजह से कैंसिल हो गई थी, हम पहुंच नहीं पाए। कोई मजबूरी में हम जनरल में जा रहे हैं। देखिए आ गई हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस WAP-7 के साथ, क्योंकि तुगलकाबाद चढ़ गया। देखिए हेमकुंड, ओ भाई ये देखो, देखिए भाई देखिए, उतरने भी नहीं दे रही।
देखिए देखिए वो भाई लड़ क्यों रहा था? तो भाई रुक तो जा। उतरने दो भाई, भाई उतरने दो यार। देखो भाई चलते सही भाई, उसका बेग फट गया। हम देख रही के हटिया, तू तो निकल जा। देखो भाई, देखो कोहे तू बना बेही रहो, तुम्हें कोई चक्कर नहीं। देखिए भाई ट्रेन में तो मतलब कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप कोई इज्जत नहीं है। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तब भी आपको कोई इज्जत नहीं होने वाली है। देखिए लोग कैसे मतलब कब्जा कराए, 5 मिनट का हॉल से अपनी जाएगा ऋषिकेश और सॉरी हरिद्वार रेलवे स्टेशन होगा। नहीं मिली आपको इसी? ये सारे भाइयों की वेटिंग है ना, वेटिंग है ये सारे भाइयों की वेटिंग है। और बाहर हॉन्ग हो चुका है अपनी ट्रेन का, लेकिन भाई जाए तो जाएंगे। देखिए सिग्नल हो चुका है और देखिए बढ़ाने में यार अब तसल्ली से तो दोनों भाई खड़े रहते हैं। मैं ना कोई बनी तू पीछे हो जा छोटू, ठीक है? देखिए एक मिनट रुको, हो जाता आपको वीडियो बनानी है आपकी स्कूटर का, आराम से तसल्ली से वीडियो बनाओ। पार्चर अपनी ट्रेन का अपने राइट टाइम पे 6:30 पे। भाई 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 ध्यान रखियो, ठीक है? भाई जो सीमा और सुनाई थी वो तो बैठ गई सीट पे, अब क्या करें यार, देखो ऐसे ही जाना पड़ रहा है। एक्चुअली मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, हमारी जो टिकट थी वो कल की थी, पिछले कल की। तो हुआ क्या कि केदारनाथ में लगी थी बारिश और उसी की वजह से हम लेट हो गए थे। रातों रात हमने टैक्सी करी थी तब भी हम टाइम पर नहीं पहुँच पाए थे। शाम को पहुँचना था हमें, लेकिन हम रात को पहुँचते 12-1 बजे। तो इसी यही वजह था कि हमारी जो ट्रेन थी वो निकल चुकी थी और आज हम मजबूरी में जा रहे हैं। क्या करें भाई, जाना पड़ता है ना। मैं तो बहुत बार खड़े भी नहीं हो पाओगे। कहाँ? रुड़की में भर जाएगी ना ये, वहाँ पे दूसरे लोग ज़्यादा चढ़ जाएंगे, है ना? आप डेली आते होंगे ना इससे? और अंकल बता रहे हैं कि भाई रुड़की में इसका बुरा हाल होने वाला है, रुड़की में से और ज़्यादा भरने वाली है क्योंकि रुड़की से और ज़्यादा यात्री इसमें ऑन बोर्ड होंगे। जम्मू जम्मू जाना है? सो भाई अपनी ट्रेन देखिए कर्व बहुत खतरनाक दे रही है। ये अंकल रेल फैन है, अंकल ऐसे कर लो, अंकल दिखा रहा है कि आयना गोंडा की तरह मुड़ रही है ट्रेन। तैयार करी रखा फोन, कोई नहीं कोई नहीं। अगली रेल फैन हो बस फैन? रेल फैन देखो, रेल अंकल है लटके नजारे जिंदगी।
गई भैया अपनी देहरादून जन शताब्दी, न्यू दिल्ली से देहरादून के बीच में चल रहा है। तो दोस्तों ऋषिकेश से लगभग 64 यानी कि 64 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने 5th स्टॉप पे जो अपना रुड़की। जी हाँ दोस्तों, जो अपना रुड़की ये उत्तराखंड में ही पड़ता है और इसका स्टेशन कोड है RK। बाकी दोस्तों रुड़की में एक IIT कॉलेज है जो जहाँ से देश विदेश से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, यहाँ पे काफ़ी फेमस है रुड़की। और रुड़की कंटोनमेंट मतलब कि देश की पुरानी छावनियों में से एक मतलब रुड़की कंटोनमेंट भी है। बाकी 2 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का रुड़की रेलवे स्टेशन पे और ये अपने राइट टाइम पे ही आई है। यहाँ पे बहुत सारे यात्री हैं जो ऑन बोर्ड कर रहे हैं ट्रेन को। और दोस्तों जो रुड़की है 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और ये स्टेशन है, ये मुरादाबाद डिवीजन के नॉर्थन जोन में आता है अपना रुड़की स्टेट अपने उत्तराखंड। चलो 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 हो चुका है भाई अपनी ट्रेन का रुड़की से और देखिए जबरदस्ती चढ़ा जा रहा है यहाँ पे ट्रेनों में। चलो 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 समझे इतना बुरा हाल हो गया देख लो। जनरल बुग्गी है ये, देखा भाई का भाई आप जनरल बुग्गी में सफर करते हो क्या? हम तो किसी में कर लेते हैं लेकिन जनरल में सही रहता है। जनरल में जो मजा है ना वो दुनिया में किसी चीज में। अच्छा इसको बुग्गी बोलते हैं। सोन मार गोल मार उस साइड आया आराम से भाई आराम से ऋषिकेश से लगभग 98 किलोमीटर का हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस ने डिस्टेंस कवर कर लिया है और आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इसका 6th हॉल्ट है जो अपना सहारनपुर, स्टेशन कोड SRE और यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का और लगभग अपने राइट टाइम पे चल रही है अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस। बाकी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये, हरिद्वार से कटरा या जम्मू से हरिद्वार जाना हो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है इसमें देख सकते हो। यहाँ पे सहारनपुर पे काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स ने डिवोर्ट करा है बट उससे ज़्यादा पैसेंजर्स ऑन बोर्ड भी हो चुके हैं देखिए। बाकी दोस्तों 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन अपना सहारनपुर और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी दिल्ली को जाती है और एक जाती है अंबाला को और डिवीजन हमारी चेंज हो चुकी है, अभी हम अंबाला डिवीजन में आ चुके हैं। बाकी सहारनपुर जाना जाता है यहाँ पे शुगर पर राइस और बनाना काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है सहारनपुर पे। बाकी ये आ रही है अपनी सरयू यमुना अमृतसर से, देख इसमें मैंने ऑलरेडी यात्रा करके रखी है, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो सरयू यमुना की। ये दोस्तों सिग्नल हो चुका है अपनी गाड़ी का एंड देखते हैं डिपार्चर सहारनपुर से। और सहारनपुर पे खास करके जेब पत्रों से सावधान रहें, अभी अभी यहाँ पे जेब पत्रा चढ़ा था एंड कुछ यात्रियों की जेब पे हाथ मारा, जैसे ये भैया जेब पे हाथ मारा आपकी, हाँ तो भैया की जेब पे भी हाथ बच चुके हैं आपकी, मारा किसी ने कर लिया था तो पहले ही सामान, हाँ तो भाई गायब हो सकता है आपका सामान, अभी थोड़ी रात होती तो फिर हो जाता बच गए लेकिन।
लो भाई। तो दोस्तों ऋषिकेश से 180 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है हरियाणा में। हरियाणा में इसका एक और स्टॉप था जो कि इससे पिछला था, यमुनानगर जोगादरी, जिसको हमने स्किप कर दिया। अभी हम आ चुके हैं अम्बाला जिसका स्टेशन कोड है UMB, 5 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का अम्बाला कैंट जंक्शन पे। तो जो अम्बाला था ये हमारी ट्रेन का 8th हॉल्ट था और भाई यहाँ से बहुत सारे यात्रियों ने ऑन बोर्ड करा ट्रेन को। बाकी जो अम्बाला है ये अम्बाला डिवीजन ही है हमारी और ये जंक्शन दोस्तों इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से दिल्ली वाली आ रही है और पीछे से आपको पता ही है अब यहाँ से एक चंडीगढ़ को डाइवर्ट हो जाएगी और एक जाएगी लुधियाना वाली, लेकिन हमारी जो ट्रेन जाएगी वो चंडीगढ़ वाले रूट पे जाएगी। भाई चाय पी रहा हूँ यार, थोड़ा जागना है मुझे, थोड़ा कवर कर लेते हैं यार ट्रेन को। होंक हो चुका है अपनी गाड़ी का भाई, ये क्या हो भाई। मुरार रात के 10 बज रहे हैं, देख सकते हो ये अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस और 224 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुकी है हरियाणा और पंजाब की कैपिटल में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ की। यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और इसका स्टेशन कोड है CDG चंडीगढ़। और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन कालका वाली जाती है जो कि आगे जाके टॉय ट्रेन बन जाती है शिमला कालका, और एक लाइन यहाँ से अपनी लुधियाना को जाती है, बाकी ब्रांच लाइन है लुधियाना वाली सिंगल रूट है। दोस्तों 6 प्लेटफॉर्म्स हैं चंडीगढ़ जंक्शन पे और इसको ओपन किया गया था 1954 में और अम्बाला डिवीजन के नॉर्थन जोन में आता है अपना चंडीगढ़। अभी देखते हैं डिपार्चर। होंक हो चुका अपनी ट्रेन का चंडीगढ़ से, देखते हैं पुलिस वाले नहीं खड़े कहाँ घुस गए बैठ जा लेडीज बैठने भाई, बैठ जा जनरल डब्बा भाई बैठ जा, उठ जा खड़ा उठ भाई। लेडीज में जगह बनाया किस लिए सो अभी कठुआ आ चुका है, यहाँ पे हम डिवोट करेंगे ट्रेन को एंड ये भाई मिले अपने पंजाब के कहाँ से वैष्णो देवी लुधियाने, तो ये सारे कश्मीर तो 3:25 हो रहे हैं और अपनी हेमकुंड ने हमें कठुआ पहुंचा दिया है। और एक्चुअली मैं थोड़ा सा सो गया था लेकिन मैं उठ गया जैसे ही कठुआ आया, वरना मैं निकल जाता। सो भाई जनरल में यात्रा करनी हो ना इस ट्रेन में तो मैं क्या ही बताऊँ, मत करिए इस ट्रेन में जनरल में यात्रा, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाली ट्रेन रहती है। जो भी वैष्णो देवी जाते हैं इसमें कभी भी आपको खाली नहीं मिलेगा जनरल में, ठीक है। तो हमने तो भाई जैसे तैसे करके कर ली, भीड़ आपने देख ली और देखिए हॉन्ग दे दिया ट्रेन ने, बाकी काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे हम। बाकी मिलेंगे आपको एक और नए खूबसूरत ब्लॉग के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखें, ठीक है, लाइक करते, बाय बाय।